स्टूडेंट, आज हम अपनी गुंजन बुक से, ग्रामर वाली जो गुंजन बुक है उससे हम पाठ 11 पढ़ेंगे। काल, पेज नंबर 51। प्रत्येक काम करने का एक समय होता है, अतः क्रिया का जो रूप उसके करने या होने के समय की जानकारी देता है उसे काल कहते हैं। क्या होता है? प्रत्येक काम को करने का एक समय होता है निश्चित, और जो जो काम होता है, जो हम काम करते हैं, उसके करने या होने के समय की जानकारी मिले उसे हम काल कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सीमा बाजार गई, अमित कहानी पढ़ रहा है, उदय खाना खाएगा। उपर्युक्त वाक्यों में काम अलग अलग समय में हुआ है। पहले वाक्य में काम हो चुका है, दूसरे में हो रहा है और तीसरे में काम होने वाला है। ये क्या है? हम काल के भेद का उदाहरण है। इसके माध्यम से हमें काल के भेद के बारे में पता चलेगा। अब हम आएंगे काल के भेद पर। काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल, पास्ट टेंस, फ्यूचर, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब हम सबसे पहले इन सबको अलग अलग समझेंगे। पहला है भूतकाल। बीते हुए समय को हम भूतकाल कहते हैं। जैसे गणेश जा चुका है, शिकारी ने शिकार कर लिया है, भगवान की आराधना समाप्त हो गई, सुभाष चित्र बना रहा था, दादाजी अखबार पढ़ चुके होंगे। ये क्या है? काल का पहला भेद है। अब दूसरा है भूतकाल, मतलब क्या हो गया? बीता समय जो है, यहाँ था, थे या हो गया है, वो सब भूतकाल है। अब हम आएंगे दूसरे पर, वर्तमान काल। जो समय अभी चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सोहम नहाता है, पानी बह रहा है, अर्चना पढ़ रही है, सचिन क्रिकेट खेल रहा है। जहाँ है हो रहा है, मतलब है मतलब जहाँ क्रिया चल रही है, वो वर्तमान काल है। अब हम आएंगे पेज नंबर 52 पर। तीसरा है भविष्यकाल। आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं। जैसे बच्चे फल खाएंगे, शायद राजू कल आए, यश विद्यालय जाएगा, गगन टेनिस खेलेगा। इसमें क्या है? हम सब चीज़ में हमें क्या पता चल रहा है भविष्य में? ये होगा, आया है, जाएगा, ये सब चीज़ें हमें भविष्य के बारे में बताया जा रहा है। हमने काल के तीनों भेदों को समझ लिया। हमने पूरे पाठ में जो पढ़ा है उसको हम दोहराएंगे एक बार। समय की जानकारी देने वाले शब्द काल कहलाता है। काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान, भूतकाल तथा भविष्यकाल। बीते हुए समय को हम भूतकाल कहते हैं। जो समय अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, और आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं। सही विकल्प पर अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम आएंगे बुक की एक्सरसाइज पर। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अब क्या है, हमें तीन विकल्प दिए गए हैं, उसमें एक सही है, बाकी दो गलत हैं, और हमें सही पर निशान लगाना है। क्रिया के होने की समय की जानकारी देने वाले शब्द को कहते हैं काल। काल के कितने भेद होते हैं? तीन। बीते हुए समय को क्या कहते हैं? भूतकाल। आने वाला समय भविष्यकाल। हमें सबसे पहले वाले में है काल, दूसरे में है तीन, तीसरे में है भूतकाल और चौथे में है भविष्यकाल। खा, नीचे लिखे वाक्य पढ़िए तथा रिक्त स्थानों में काल का नाम लिखिए। अब हमें क्या है, जिस सामने हमें वाक्य दिए गए हैं चार, उनके सामने हमें उस काल का नाम लिखना है। जैसे कपड़ी धोबी कपड़े धो रहा है, तो इसमें है आया है, मतलब काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, तो ये क्या है? वर्तमान काल। मैं कल बाजार जाऊंगा, अब जाऊंगा मतलब कल के लिए बात हो रही है भविष्य की, तो इसमें भविष्य काल आ जाएगा। मोहन ने कहानी पढ़ ली थी, ये क्या है? पढ़ ली थी मतलब बीत गया है जो, तो उसमें भूतकाल आ जाएगा। ठंडी हवा बह रही थी, ये भी भूतकाल है। और हमने इसमें लिख दिया पहले में वर्तमान काल, दूसरे में भविष्य काल, तीसरे में भूतकाल और चौथे में भूतकाल। अब हम आएंगे पेज नंबर 53 पर। दिए गए वाक्यों को निर्देश अनुसार बदलिए। अब इसमें वाक्य दिए गए हैं, उसमें हमें एक किसी भी काल का वाक्य दिया गया, उसे हमें जो दिया गया है उसमें बदलना है। कल मैं विद्यालय गया था, ये क्या है? भूतकाल का वाक्य है, इसे हमें वर्तमान में बदलना है। तो सबसे क्या आएगा? वह विद्यालय जा रहा है। दूसरा, राखी ने बहुत सुंदर नृत्य किया था, ये क्या है? भूतकाल की क्रिया है, तो हमें इसको वर्तमान में बदलना है। राखी बहुत सुंदर नृत्य कर रही है। क्रिकेट मैच में भारत पाकिस्तान को हरा देगा, ये भूतकाल में बदलना है। क्रिकेट मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था। चौथा, माँ बाजार जा रही है, माँ बाजार जाएगी, इसको भविष्यकाल में बदलना है। अब हमारा ये चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब नीचे तालिका दी गई है, उसमें एक उदाहरण लिखना है। जैसे काल के जो तीन भेद दिए गए हैं, उनमें सबसे पहले में हम भूतकाल लिखेंगे, फिर वर्तमान, फिर भविष्यकाल, और हम एक एक वाक्य लिखना है। जैसे हम मैंने लिख दिया है कल बारिश हो रही थी, भूतकाल का हो गया। आज बारिश हो रही है, वर्तमान का है, कल बारिश होगी।
ये हमने बना दिया, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, आपको जैसा सही लगे। अब हमने इसकी बुक की एक्सरसाइज अपनी फिल कर लेना आप, और हमने आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, हम कल के वीडियो में फिर मिलेंगे।